नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिकेट WWE टॉक पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, IPL 2021 की नीलामी 18 फरवरी को होने वाली है। इस नीलामी के लिए BCCI को कुल 1114 खिलाड़ियों ने अपने पंजीकरण कराए थे BCCI में कुल, लेकिन इसमें से सिर्फ 292 खिलाड़ियों को ही ऑक्शन में जाने का मौका मिला है। दरअसल दोस्तों, जो खिलाड़ी ऑक्शन के लिए पंजीकरण कराते हैं उनकी लिस्ट जो होती है सभी फ्रेंचाइजियों को भेजी जाती है। उसमें से फ्रेंचाइजियां पहले ही बता देती है कि हम इन खिलाड़ियों पर दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तो उनका नाम शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो 1114 खिलाड़ियों ने पंजीकरण किया था उसमें से सिर्फ 292 खिलाड़ी ही ऑक्शन टेबल में जाने वाले हैं और अब 18 फरवरी को इनकी नीलामी होगी। दोस्तों, इस नीलामी में एक नाम बहुत दिलचस्प है। दरअसल इस नीलामी में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का भी नाम है, उनकी भी बोली 18 फरवरी को ऑक्शन में लगने वाली है। ऐसे में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि अर्जुन तेंदुलकर किस टीम का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, जो मुझे लगता है कि दो टीम ऐसी हैं जो अर्जुन तेंदुलकर पर दाव खेल सकती है, इसमें से जो सबसे पहला नाम है वो मुंबई इंडियंस का है। मुंबई इंडियंस इसलिए अर्जुन तेंदुलकर को खरीद सकती है क्योंकि उनके पिता खुद मुंबई इंडियंस के मेंटोर है सचिन तेंदुलकर। तो ऐसे में वो अपने बेटे को जरूर अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे और अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस का एक माहौल दिखाना चाहेंगे, जिससे अर्जुन तेंदुलकर को भी अपने भविष्य में बहुत अच्छी मदद मिलेगी अगर वो मुंबई जैसी एक बड़ी टीम के साथ जुड़ते हैं, उसके ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं। वहाँ रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, क्विंटन डी कॉक हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो किरण पोलार्ड हैं, हार्दिक पांड्या हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों से अर्जुन तेंदुलकर को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो मुझे पहली टीम लग रही है वो यह है कि मुंबई इंडियंस है, जो अर्जुन तेंदुलकर को जरूर नीलामी से खरीद सकती है। अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ तो दोस्तों, दूसरी टीम जो है मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स अर्जुन तेंदुलकर को ले सकती है। इसका भी एक बड़ा कारण है दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, राजस्थान रॉयल जो अन्य टीमों से है उसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम है, राजस्थान रॉयल की ब्रांड वैल्यू। तो ऐसे में अगर अर्जुन तेंदुलकर राजस्थान रॉयल के साथ जुड़ते हैं तो उसे एक वो अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर की पहले से ही फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और राजस्थान की फैन फॉलोइंग अन्य IPL टीमों के मुकाबले काफ़ी कम है और ब्रांड वैल्यू भी कम है। तो ऐसे में अगर राजस्थान रॉयल अर्जुन तेंदुलकर को टीम में शामिल करती है, खरीदती है, तो राजस्थान रॉयल की ब्रांड वैल्यू में काफ़ी इजाफा होगा। तो ये दो कारण हैं जिससे मतलब अर्जुन तेंदुलकर जो है या तो मुंबई इंडियंस में जा सकते हैं या राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं। अन्य टीमों में मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अन्य टीमें अर्जुन तेंदुलकर को खरीदने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगी। हाँ, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल दो ऐसी टीमें हैं जो अर्जुन तेंदुलकर को जरूर नीलामी से खरीद सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अर्जुन तेंदुलकर की नीलामी में कितनी प्राइस जाती है और कौन कौन सी टीमें उसमें दिलचस्पी दिखाती है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। क्रिकेट और WWE से जुड़ी ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।